उड़ी के कायराना हमले के बाद देश भर में आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं है। कई तबकों में यह मांग उठने लगी है कि पाकिस्तानी कलाकारों को आखिर क्यों काम करने दिया जाए हिंदुस्तान में। और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो देखने को मिल रहा है कुछ रिलीज होने वाली फिल्में हैं। कई बड़े बैनर की फिल्में भी इसमें शामिल हैं। उरी हमले का गुस्सा बॉलीवुड तक भी जा पहुंचा। अब पाकिस्तानी कलाकार भी घेरे में हैं और बॉलीवुड की वो फिल्में भी जिनमें पाक अभिनेता अभिनेत्री। अब करण जौहर को चेतावनी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने पहले पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने का फरमान सुनाया और अब जब करण जौहर बचाव में उतरे तो उन्हें भी सख्त चेतावनी मिल गई। करण जौहर ने अभी आज जो ट्वीट किया उसके पहले करण जौहर ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेके फिल्म बनाई थी। अगर इतनी हिम्मत करण जौहर में है तो आगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेके वो फिल्म बनाए। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ एमएनएस के अभियान के बाद फिल्मकार करण जौहर ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों को प्रतिबंधित करने से आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं लोगों के गुस्से और पीड़ा को समझता हूँ। शहीद जवानों के लिए मेरा दिल भी रोता है। अब इस घटना के बाद आप इस तरह की परिस्थिति से रूबरू होते हैं। अगर ऐसा करने से समस्या सुलझ सकती है तो आप इस पर चल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। कलाकार दुनिया भर में प्रेम का संदेश देते हैं, इसीलिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और शाहरुख खान की फिल्म रईस में माहिरा खान मुख्य भूमिका में है। ऐ दिल है मुश्किल दिवाली पर रिलीज करने की योजना है, लेकिन पाक कलाकारों के विरोध को लेकर अब इस फिल्म पर तलवार के बाद बॉलीवुड भी दो धड़ों में बट गया है। एक उग्र धड़ा है जो पाक कलाकारों को भारत में काम करने के खिलाफ है, तो दूसरा करण जौहर की तरह राय रखता है। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता सुरेश ओबेरॉय भी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से भगाने के खिलाफ दिखते हैं। हर इंसान इस गुस्से में है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, माहौल ठीक नहीं है तो सबकी बातें निकलती है, गुस्सा आता है, फिर बात चलती है। लेकिन फाइनली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वही तो डिसाइड करेंगे ना क्या लेना चाहिए, क्योंकि असली बात तो उन्हीं को मालूम है। अब तो शिवसेना भी एमएनएस की राह पर चल पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने तो पाक कलाकारों को लेकर सरकार को ही घेरने का मन बनाया है। और दुनिया को कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर बैन करो, आज आप कहिए पाकिस्तान का एक भी कलाकार यहाँ नहीं आएगा। आप घोषणा करिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से ट्रेड व्यापार नहीं होगा। इन सब के बीच केंद्र सरकार चुप है, लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि जिनके पास वैध वीजा है और कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ हिमांशु मिश्रा, कोझिकोड, आज तक।